दोस्तों, अयोध्या में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक त्याग और तपस्या भावना समर्पण का परिणाम है, जो 500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद जाकर संपन्न हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पूरे रीति रिवाज के साथ सफल रही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से रामालला को सदा के लिए राम मंदिर में विराजमान किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस बड़े समारोह में बॉलीवुड से लेकर साउथ और टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने अपनी हाजिरी लगाई थी। सभी एक्टर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक्टर्स ने भगवान के दर्शन भी लाइन में लगकर किए। सितारों के बीच एक्साइटमेंट अलग लेवल पर दिखाई दी। कुछ सितारे इमोशनल नजर आए तो वहीं कई सितारे नाचते गाते भी दिखे। तो चलिए अब आपको सारी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन शामिल हुआ। क्या सच में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ अयोध्या राम मंदिर पहुंचे थे, और किसने राम मंदिर निर्माण में कितना सहयोग दिया, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया उन्होंने राम मंदिर के बारे में क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि अयोध्या पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की क्या है असली सच्चाई। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी श्री राम मंदिर बनने से खुश हैं और आपको भी बजरंग बली पर भरोसा है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, यह सनातन धर्म की ही ताकत है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राम नाम की गूंज है। लेकिन अगर बात करें उस पाकिस्तान की, जहां एक समय अयोध्या के राम मंदिर का विरोध हो रहा था, लेकिन अब उन लोगों की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जिन पाकिस्तानियों के लिए राम मंदिर गले में फांस की तरह चुभ रहा था, आज वह भी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही मंदिर बनना चाहिए। दोस्तों, पूरा भारत राष्ट्र अपने राम जी के आगमन पर राममय हो चुका है। पूरा देश राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हंसी खुशी मनाता हुआ नजर आया। भारत देश में उठी राम धुन को दूर तक सुना जा रहा है और विदेशी भी इस समारोह को बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे थे। तो दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान श्री राम और अवधपुरी की जो भव्यता विश्व ने देखी, उसके बाद अमेरिका से लेकर फ्रांस हो या यूएई से लेकर जापान, अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण विश्व की आस्था का केंद्र बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुल 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें दुनिया भर के साधु संतों से लेकर टीवी जगत, खेल जगत, विज्ञान जगत और 50 देश के प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिनकी उपस्थिति में अयोध्या नगरी धरती का स्वर्ग लग रही थी। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सभी सितारे पारंपरिक परिधान में अखंड भारत की वह छवि प्रस्तुत कर रहे थे, मानो राम राज्य साक्षात धरती पर आ गया हो। बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुभ कर कमल से रामलला की मूर्ति का अनावरण किया और कहा, राम आ गए हैं, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब इस मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने को शब्द नहीं मिल रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अवधपुरी में मशहूर हस्तियों का जमावड़ा देखने को भी मिला। इन वीआईपी लोगों और गणमान्य अतिथियों में अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, उनके दामाद धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, मनोज जोशी, अनुपम खेर, हेमा मालिनी और कंगना रनौत सहित दर्जनों नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इनके अलावा खेल जगत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर सानिया नेहवाल, मिताली राज, पीटी उषा, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले भी शिरकत करते हुए दिखाई दिए। साउथ के कलाकारों में चिरंजीवी उनके बेटे रामचरण भी मौजूद रहे। उद्योग जगत की नाम चिन्ह हस्तियों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी सहित ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और उनका पूरा परिवार शामिल हुआ और अपनी खुशी व्यक्त की। इन सभी के अलावा देश विदेश के बड़े साधु संत आचार्य भी इस अवसर पर राममय होते हुए दिखाई दिए, जिनमें प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम सरकार, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सहित दर्जनों हिंदू संत और मुस्लिम मौलाना उपस्थित रहे। लेकिन दोस्तों, इन सभी सितारों के बावजूद कई सितारे ऐसे भी थे जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण तो मिला, लेकिन यह सितारे अपनी निजी व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के एक्शन किंग
अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ छोटे मियां बड़े मियां फिल्म की शूटिंग की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। वहीं विपक्षी दल के कई नेता जैसे कि राहुल गांधी और उनके परिवार सहित मुलायम सिंह की बेटी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया और कड़ी आलोचना भी की। इनके अलावा कई कलाकार ऐसे भी रहे जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण ही नहीं दिया गया। इन कलाकारों में बॉलीवुड की खान तिगड़ी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान मुख्य रूप से शामिल रहे। लेकिन YouTube पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि शाहरुख खान राम मंदिर अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर लोगों ने धार्मिक खंडन करते हुए उन पर कड़ा वार भी किया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान एक मुसलमान होते हुए भी राम मंदिर कैसे पहुंच गए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें आमंत्रण तक नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शाहरुख खान की फिल्मों का लगातार विरोध किया जाता रहा है। वहीं बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप भी शाहरुख खान के कड़े विरोधी है और उनके गुटके के प्रचार से लेकर उनकी फिल्मों में अभिनेत्री के अंग प्रदर्शन और उनके बेटे के ड्रग्स केस में उनकी आलोचना करते रहे हैं। इन सब के बावजूद शाहरुख खान का अयोध्या के राम मंदिर में दिखाई देना हैरानी की बात है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 5,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया गया है, जिसमें बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी और अड्डानी जी सहित बिरला ग्रुप का भी विशेष योगदान रहा है। लेकिन खान तिगड़ी ने भी राम मंदिर के निर्माण में अच्छा खासा सहयोग दिया है। सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान ने राम मंदिर निर्माण में 5 करोड़ रुपए का दान दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं दिया गया। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत सबसे पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं हेमा मालिनी राम भक्ति में लीन होकर झूमती हुई नजर आई। कार्यक्रम के दौरान टॉलीवुड और बॉलीवुड का अनोखा संगम देखने को मिला। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की रजनीकांत के साथ एक फोटो भी जमकर वायरल हुई, जिसे उनके फैंस ने खूब सराहना दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिल्मी सितारों ने जमकर मस्ती भी की और खूब सारी सेल्फी भी क्लिक की। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना सहित दर्जनों अभिनेता और अभिनेत्रियां इस मौके पर एक साथ झूमते गाते हुए दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय, बागेश्वर धाम सरकार, रजनीकांत धनुष और चिरंजीवी सहित दर्जनों वीआईपी लोगों ने कार्यक्रम के बाद मीडिया को अपने इंटरव्यू दिए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अपनी खुशी जाहिर की। इन मशहूर सितारों का कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके मन में बेहद खुशी है और वह बार बार अयोध्या की इस पावन धरती पर आना चाहते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान के राम मंदिर आने के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।